सब्सक्राइब कीजिए ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और भी ऐसे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ऐप का रिव्यू देखने वाले हैं जो आपको अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ही अच्छी तरह से मदद करने वाली है। मतलब दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लोग डाल रहे हैं उसका जो आज क्रेज़ है वो बहुत ही बढ़ गया है। लोग तरह तरह के कोई लोग अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, कोई रोमांटिक स्टेटस डाल रहा है। मतलब आज बहुत ही ज़्यादा फैशन इन स्टेटस का चल रहा है। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम हमारे जो फ्रेंड्स फ्रेंड की जो लिस्ट होती है उनके जब भी हम स्टेटस चेक करते हैं तो उस फ्रेंड को पता चल जाता है कि हमारा स्टेटस किन किन लोगों ने चेक किया है। मतलब ये प्राइवेसी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही मतलब इतना सिक्योर नहीं है। मतलब ये उनको तुरंत जानकारी देगा कि उनका स्टेटस किन किन लोगों ने देखा है। तो मैं आपको आज एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप उन लोगों का स्टेटस देख भी सकते हो लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देख लिया है। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और आप फिर सभी का स्टेटस बिना उनको नोटिस किए देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते प्ले स्टोर में और इस ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस ऐप का नाम है फाइल मैनेजर। इस पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल मैनेजर्स मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर लीजिए, कौन सा भी एक डाउनलोड कर लीजिए जो जिसका रेटिंग अच्छा है। मेरे पास है वो भी एक फाइल मैनेजर है। चलिए मैं आपको उसके बारे में एक रिव्यू दिखाता हूँ कि इससे आप कैसे स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस सभी लोगों के आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में हमारा व्हाट्सएप इंस्टॉल है। मतलब हमें व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके स्टेटस चेक करने होंगे। तो चलिए, ये दोस्तों रहा हमारा व्हाट्सएप फोल्डर। तो इस फोल्डर में जाने के बाद जो मीडिया का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। मीडिया में जाने के बाद आपको व्हाट्सएप के इमेजेस, वीडियो, वॉइस नोट, प्रोफाइल फ़ोटोज, एनिमेटेड गिफ्ट्स, यहाँ के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई स्टेटस का फोल्डर तो नहीं मिल रहा है तो आपको इस फोल्डर को कैसे ढूंढना है। तो हमारे जो मोबाइल का जो राइट हैंड का जो कॉर्नर है ऊपर वाला, उस पे आपको जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको नीचे से दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है आप इसे पढ़ लीजिए, शो हिडन फाइल्स। मतलब जो भी फाइल हिडन है, मतलब छुपाई हुई है, मतलब व्हाट्सएप ने स्टेटस को थोड़ा हाइड करके रखा है, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा और इस पर क्लिक करके देखिए, शो हिडन फाइल। तो देखिए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया फोल्डर आ गया जिसको स्टेटसेस ऐसा लिखा हुआ है और इसे मिटा के देखिए, डोंट शो हिडन फाइल्स, ये चला जाएगा। फिर इसे शो कीजिए और उस स्टेटस फोल्डर में एंटर कीजिए और देखिए, आपको सभी स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कौन सा भी स्टेटस। और आप यहाँ से जब भी स्टेटस देखेंगे तो जिन दोस्तों का आपने स्टेटस देखा है उनको नोटिस भी नहीं होगा कि उनका स्टेटस आपने देखा हुआ है। मतलब इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनको नोटिस किए बिना ही देखना चाहते, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, अगर आप उनको नोटिस नहीं होने देना चाहते तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐप के बहुत और भी बहुत सारे यूज़ है, तो इसके लिए खास ये ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे मोबाइल में आजकल फाइल मैनेजर या फाइल कमांडर मिलता है, उसमें आपको इस ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से आप सभी इन स्टेटस को देख सकते हैं। तो चलिए, इसे फिर से मैं डोंट शो हिडन फाइल्स, मतलब हाइड करके रख देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।